कन्नड़ में कोरोना कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 243 मामले सामने आ चुके हैं और इस तरह प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1546 पर पहुंच गई है, जबकि कुल आंकड़ा 5250 के करीब है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि शनिवार को 146 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर लौटे हैं और राज्य में अब तक 3658 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। और बात मौतों की अगर की जाए तो वायरस की चपेट में आकर 24 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसके पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं लाइव। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है और कितना सख्ती से लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें आंकड़ों की तो रोज सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं और सभी वर्ग जो है इसकी चपेट में आ चुका है। चाहे अगर हम बात करें पुलिस कांस्टेबल की, चाहे आम नागरिक की, चाहे गृहिणियों की, चाहे हम किसी भी वर्ग किसी भी तबके की बात करें, हर व्यक्ति जो है इसकी चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कल छत्तीसगढ़ में आंकड़े आए थे वो भी 200 से अधिक थे और इसके साथ ही 140 मरीज जो है वो एक दिन में ठीक होकर घर लौटे हैं। राहत की बात यह है कि जो 5000 आंकड़ा है उसमें से 3000 से ज्यादा मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। तो एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर रिकवरी रेट भी ज्यादा है, लेकिन लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए प्रशासन भी जो है वो सख्ती में आ गया है। और साथ ही कल जो मंत्रियों की बैठक हुई उस बैठक में ये फैसला भी लिया गया है कि अब टेस्टिंग को दोगुनी की जाएगी। जैसे कि राज्य में आपको बता दें कि 5000 टेस्ट होती थी तो उसे अब दोगुना किया जाएगा, 10000 टेस्टिंग होंगे राज्य में। और जाहिर सी बात है कि जब टेस्ट होंगे तो मामले भी बढ़ेंगे और मामले बढ़ेंगे तो उसके लिए व्यवस्था जो है वो भी की जाएगी। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में जैसे कि कोई पद खाली है तो उसके लिए भी जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी कर जो है भर्ती जल्दी ली जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। और सरकार का ये भी कहना है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कि यदि किसी चीज की जरूरत हो तो वो सब जो मदद है वो सरकार करेगी। स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कल रात को जो है एम्स को 500 बेड है वो भी मिले थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर बिस्तरों की जो कमी हो रही है उसे भी पूरी की जा रही है। और लगातार मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है, जैसे कि अगर ज्यादा संख्या में मरीज आ रहे हैं तो गंभीर मरीजों को ही अस्पताल में रखा जा रहा है और बाकी जो नॉर्मल जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उन्हें जो है घर पर ही क्वारंटाइन करने की हिदायत दी जा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है वो की गई है। और इसके अलावा जैसे कि एम्स है या कहीं भी कोरोना वायरस से जो मरीज है, जो संक्रमित मरीज मिला है, जैसे कि अगर उसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो उसे अस्पताल में 2-4 दिन रखा जाएगा, उसके बाद फिर उसे छुट्टी दे दी जाएगी। जैसे कि अगर उसमें कोरोना वायरस के खत्म होने के लक्षण जो है वो नजर आते हैं और बाद में फिर उन्हें 14 दिन की क्वारंटाइन की अनुमति है वो दी जाती है। और साथ ही इसका जो निगरानी है वो खुद स्वास्थ्य विभाग की टीम करता है कि वो व्यक्ति कितने दिन तक घर में है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वो भी लगातार जारी है। जी सुप्रिया, व्यवस्थाएं तो देखी जा रही हैं शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, पर जो आंकड़े हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।